So guys, welcome back to my channel and today's topic is maps and diagrams. There are various ways of representing the earth like maps, globes, sketches, planes and diagrams. Each of these along with the associated advantage and disadvantage has been discussed in this chapter. तो मैं हम लोग अर्थ को ढेर मतलब मैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्लोब से भी, स्केच से भी, प्लान से भी, डायग्राम से भी. तो इस चैप्टर में ये बताया है कि सबके उन सब चीज़ों के डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या क्या हैं. तो चलिए पहले हम लोग मैप्स के बारे में पढ़ेंगे. अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन द फ्लैट सर्फेस. इट यूजअली अ सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉन ऑन पेपर दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सर्फेस इन अ सिंपल एंड ग्राफिक मैनर. ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स बाउंड टूगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ बुक इज कॉल्ड एटलस. एक मैप जो होता है वो पूरी अर्थ का एक ड्राइंग होता है एक बड़े से पेपर पे, फ्लैट सरफेस पे, जिसमें हम लोग सिंबल से इंफॉर्मेशन बताते हैं कि अर्थ में कहाँ कहाँ कंट्रीज है, कहाँ क्या है, एक बहुत अच्छे ग्राफिक मैनर में, एक अच्छे से मैनर में. और ढेर सारे मैप्स की कलेक्शन को हम लोग एटलस कहते हैं. टाइप्स ऑफ मैप्स. Maps are of different types. The first category can be on the basis of details that need to be shown in a map. Map कितने type के होते हैं? Map बहुत सारे type के होते हैं. तो हम लोग पहले देखेंगे कि maps में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं. Types of map based on details shown. जितना भी वो लोग detail बताते हैं maps उन्हीं पर based होते हैं. Depending on the kind of details it wants to show a map can it divided into following categories. जो मैप्स होता है वो बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइडेड होता है. तो फर्स्ट कैटेगरी होती है पॉलिटिकल मैप. शोज द बाउंड्री ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एक्सेट्रा एंड ऑल्सो द लोकेशन ऑफ कैपिटल सिटीज एंड इम्पॉर्टेंट टाउन्स. पॉलिटिकल मैप जो है वो हम लोग को कंट्री, स्टेट्स, इस सब के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि सिटीज़, इम्पॉर्टेंट टाउन्स और जो स्टेट्स के कैपिटल्स होते हैं ये सब भी बताता है. Physical maps show mountain, valley, plains, rivers and other surface features. These maps generally use different colors to represent land of different heights. Physical map जो होता है वो हम लोग को mountain, valley, plains, river और other features show करने में मदद करता है. वो generally वो colors, ये सब कलर से रिप्रेजेंट करता है कि कितना लैंड है, कितना हाइट है माउंटेन का, ये सब वो कलर से रिप्रेजेंट करता है. थीमेटिक मैप शो फीचर्स सच एज क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एक्सेट्रा. थीमेटिक मैप जो होता है वो एग्रीकल्चर, क्लाइमेट और मिनरल्स ये सब के बारे में बताता है. इन एडिशन टू दीज मैप देर आर ट्रोपोग्राफिक मैप्स. टोपोज इक्वल्स टू प्लेस, ग्राफी इक्वल्स टू डिस्क्राइब. विच गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकल लैंडफॉर्म्स, स्ट्रीम्स, रिवर, कैनाल्स, रोड, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, रेलवे ट्रैक्स एंड अदर फीचर्स ऑफ स्मॉलर एरियाज. These maps are based on an accurate survey of land. These maps are useful to people such as surveyors and civil engineers engaged in the construction of buildings, roads, bridges and other structures. These are also used for military purpose. इन सारे maps के अलावा एक topographic map भी होता है. Topos का मतलब place, graphic का मतलब describe. मतलब हम लोग को जो डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है पूरा लोकल लैंडफॉर्म्स के बारे में, यानी कि स्ट्रीम्स, जो रिवर्स होती हैं, कैनाल्स होती हैं, रोड, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, रेलवे और कुछ और छोटे छोटी जगहों के बारे में हम लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है. ये मैप जो है वो लैंड की पूरी एरिया ये सब अच्छे से बताती है. ये मैप जो है सर्वेयर्स और जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस ये सब बनाते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है. और ये मैप मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती है. टाइप्स ऑफ मैप बेस्ड ऑन स्केल. मैप्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द स्केल यूज टू ड्रॉ दैम. अब हम लोग पढ़ेंगे जो मैप्स स्केल पर बेस्ड होता है और ऐसे मैप्स दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं. तो चलिए हम लोग उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं. स्मॉल स्केल मैप्स आर मैप्स विच शो अ लार्ज लैंड एरियाज इन अ स्मॉल स्पेस. फॉर एग्जाम्पल 1 centimeter ऑन अ स्मॉल स्केल मैप कुड रिप्रेजेंट 200 kilometers ऑन द ग्राउंड. द फीचर ऑफ द एरिया रिप्रेजेंटेड ऑन सच मैप्स आर देयरफॉर नॉट क्लियरली विजिबल. जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं वो
उस जैसे कि लार्ज लैंड एरिया को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, छोटे स्मॉल मतलब छोटे कोई जैसे मैप, छोटे मैप में बताने के लिए। जैसे कि 1 सेंटीमीटर जो वो मैप पे दिखाएगा वो असली में ग्राउंड पे 200 किलोमीटर के बराबर होगा। और ये जो फीचर होता है इस मैप में, ये इतना अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं होता है। जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं आर मैप्स विच शो स्मॉलर एरियाज ऑफ लैंड इन बिगर स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, 1 सेंटीमीटर ऑन अ लार्ज स्केल कुड बी रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन लैंड। सच मैप्स कैन देयरफॉर प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फीचर्स ऑफ एरिया दे आर रिप्रेजेंटिंग। लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं वो हम लोगों को बड़ी एरिया में मतलब बड़े स्पेस में छोटे एरिया के बारे में बताते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर मैप पे 1 किलोमीटर ग्राउंड के बराबर होगा। और ऐसे मैप जो होते हैं हम लोगों को जिस एरिया के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं उस एरिया के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स। मैप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजंस। मैप्स आर यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस। स्टूडेंट्स एंड टीचर गेन नॉलेज एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस फ्रॉम मैप्स। नेविगेटर यूज देम टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ देयर डेस्टिनेशन एंड टाउन प्लानर यूज देम फॉर टाउन प्लानिंग। मैप्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं? तो मैप्स के बहुत सारे रीजंस हैं। तो पहला रीज़न है, मैप्स जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए काम आता है। जैसे कि स्टूडेंट और टीचर को बताता है प्लेस कहाँ है कोई प्लेस, ये सब टीचर स्टूडेंट्स को नॉलेज देता है। जो नेविगेटर्स होते हैं वो सब यूज़ करते हैं इसको कि हमको कौन सी प्लेस पे जाना है, मैप्स देख के पता करते हैं। और टाउन प्लान जो करते हैं वो टाउन प्लानिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। मैप्स आर इजी टू कैरी एंड आर देयरफॉर स्पेशली हेल्प फुल फॉर ट्रैवलर्स। मैप जो है वो हम लोग ईजिली कैरी कर सकते हैं तो इसलिए वो ट्रैवल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैनी मैप शो सिलेक्टेड फीचर्स एंड आर नॉट यूजली कॉन्जेस्टेड, मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट द इंफॉर्मेशन दे आर रिप्रेजेंटिंग। मैप जो है वो हम लोगों को ज़्यादा सिलेक्टेड फीचर्स ही बताता है और ये ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होता है, बहुत पीपल्स को ईजी रहता है इसको देखने में और इसको समझने में कि कौन सी प्लेस कहाँ है। मैप्स में से मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट साइंस सिंबल्स एंड कलर्स टू प्रोवाइड डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन। दिस इंश्योर द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन अ क्लियर एंड कॉन्शियस मैनर विथ मिनिमम स्कोप्स फॉर मिनिस्टर प्रिटेशन। डिफरेंट साइंस सिंबल इन सब का यूज़ करके हम लोग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत क्लियर होती है और अच्छे मैनर में होती है जिससे हम लोग इसको आसानी से समझ सकें। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मैप्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एडवांटेज, दे आर इजी टू कैरी, वो कैरी करने में इजी होता है। दे शो सिलेक्टेड फीचर एंड नॉट यूजुअली कंजेस्टेड, वो सिलेक्टेड फीचर दिखाता है और ज़्यादा कंजेस्टेड भी नहीं होता है। दे यूज़ डिफरेंट साइंस सिम्बल्स एंड कलर टू प्रोवाइड डिस्टेंस इन्फॉर्मेशन, वो साइंस सिम्बल्स यूज़ करके हम लोगों को अच्छे से इन्फॉर्मेशन बताने का काम करता है। डिसएडवांटेज, द कर्व सर्फेस ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एक्यूरेटली ऑन ए फ्लैट सर्फेस, जो अर्थ का कट सर्फेस है वो एक फ्लैट सर्फेस पर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। मैप्स ऑफ लार्ज एरियाज स्पेशली कॉन्टिनेंट हैव सम डिस्टोरेशन ऑफ साइज शेप और डिस्टेंस। मैप्स जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो मैप्स पे कुछ उसमें थोड़ी गलती तो हो ही जाती है, साइज शेप और डिस्टेंस में थोड़ी गलती हो जाती है। मैप्स प्रोवाइड लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस। मैप्स हम लोग खाली एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक छोटे से स्पेस में। तो ये थे इनके 3 डिसएडवांटेज और इनके 3 एडवांटेजेस। डिफरेंस बिटवीन मैप्स ग्लोब स्केचेस एंड प्लान्स। मैप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ग्लोब्स स्केचेस एंड प्लान्स। ग्लोब, तो इसमें बता रहे हैं कि मैप्स ग्लोब स्केचेस और प्लान्स इन सब में क्या डिफरेंस होता है। मैप्स ग्लोब स्केचेस और प्लान्स इन सब से अलग अलग होता है। ग्लोब, अ ग्लोब इज़ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ विद अ मैप ऑन द वर्ल्ड प्रिंटेड ऑन इट। इट इज़ यूजली फिक्स टू अ स्टैंड सो दैट इट कैन बी रोटेटेड। देयरफॉर व्हाइल अ मैप इज़ अ 3-डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ, अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन फ्लैट सर्फेस। जो ग्लोब होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ का स्फेरिकल दिखाता है शेप एक सरफेस पे, जो वो एक मैप, एक वर्ल्ड का जो मैप होता है वो एक सरफेस पे प्रिंटेड होता है और वो यूजुअली एक स्टैंड पे होता है तो वो रोटेटेड हो सकता है। तो ये 3-डायमेंशनल मॉडल है
और जो मैप है वो एक टू डायमेंशनल मॉडल है। अब ग्लोब्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज, इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी अर्थ। ये जो है एक मोस्ट एक्यूरेटेड थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। इट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस कॉन्टिनेंट एक्यूरेटली। ये हम लोगों को ओशन और कॉन्टिनेंट्स इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से दिखाता है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर मैप मार्क ऑन द ग्लोब। लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का लाइन्स एक ग्लोब पे होता है जबकि वो मैप पे नहीं होता है। डिसएडवांटेज, ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बी सीन ऑन अ ग्लोब एट वन ग्लांस। डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग एक बार में ग्लोब का एक पार्ट ही देख सकते हैं जबकि मैप पे तो हम लोग सब एक साथ देख सकते थे। ऑल डिटेल कैन नॉट बी मार्क्ड ऑन अ ग्लोब। बहुत सारी डिटेल तो ग्लोब पे मार्क्ड हो नहीं सकती है। ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड। ग्लोब ले जाने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है ग्लोब को। स्केच, अ स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग शोइंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ अ फ्यू चूजन फीचर ऑफ एन एरिया। इट डज़ नॉट शो द ट्रू शेप और साइज ऑफ द फ्यूचर एंड इट इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल। दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट फीचर शोन in the sketch is not in the same propagation as in the land. A sketch is only a rough representation of the area. It is usually used to show people how to go from one place to another. Sketch जो एक rough drawing होता है जो आस पास के locations दिखाता है कुछ ऐसी few chosen features से, और वो हम लोग को उसका असली शेप और साइज़ ये सब नहीं बताता है। इसका मतलब कि डिस्टेंस क्या है ये सब नहीं बता सकता है। तो ये डिस्टेंस हम लोग को अच्छा डिस्टेंस नहीं बता सकता है। और जो स्केच होता है बस एक रफ रिप्रेजेंटेशन होता है एक एरिया का, और ये यूजुअली पीपल को बताता है कि हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस कहाँ कैसे जा सकते हैं। In other words, while a map is an accurate representation of an area, a sketch is a rough representation of an area drawn only to give a general sense of some feature of an area. जो एक जो मैप होता है वो हम लोग को एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन एक एरिया का बता सकता है, लेकिन जो स्केच होता है वो हम लोगों को पूरा नहीं बता सकता है कि वहाँ का डिस्टेंस और ये सब क्या होता है। प्लान्स, अ प्लान इज़ अ ड्राइंग दैट शो द हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ अ स्मॉल एरिया और अ बिल्डिंग। इट इज़ ड्रॉन टू स्केल। इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट टेल अस वेयर एग्जैक्टली थिंग्स आर ऑन द ग्राउंड। जो होता है वो एक हॉरिजॉन्टल ड्राइंग होता है, एक ड्राइंग होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन स्मॉल एरिया या फिर कोई बिल्डिंग का, कि वो हम लोगों को यूज़फुल होता है। वो हम लोग को बता सकता है कि ग्राउंड पे कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अ मैप एंड अ प्लान आर वेरी सिमिलर। बोथ शो एन एरिया जस्ट एज इट वुड लुक व्हेन सीन फ्रॉम अबव। बट व्हाइल अ मैप शो अ लार्ज एरिया, अ प्लान इज़ नॉर्मली ड्रॉन फॉर स्मॉल एरिया। जो मैप होता है और प्लान दोनों सिमिलर होता है, लेकिन जो प्लान होता है अगर उसको तुम ऊपर से देखो उस एरिया को तो वो वैसा ही दिखता है। मैप में भी यही होता है, लेकिन जो मैप है वो लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन जो प्लान है वो सिर्फ स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाइल अ प्लान शोज़ अ स्कूल और अ पार्ट ऑफ नेबरहुड, अ मैप शोज़ अ होल सिटी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो जो प्लान होता है वो हम लोग को स्कूल नेबरिंग प्लेसेस ये सब बता सकता है, और जो मैप होता है वो हम लोग को होल सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये सब बता सकता है। एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट्स पिक्चर, अनदर टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग द अर्थ और पार्ट ऑफ इट इज एरियल फोटोग्राफी। फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ आर टेकन फ्रॉम अ कैमरा माउंटेड ऑन एन एयरक्राफ्ट। एन अनमैन्ड ड्रोन और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, In fact, such photographs have been used widely in the preparation of an accurate map. और aerial photograph होता है ये ऐसा टूल, ये भी एक टूल होता है जो हम लोगों को अर्थ का पार्ट के बारे में बता सकता है। फोटोग्राफ जो होते हैं वो एक कैमरा से लिए जाते हैं जो किसी एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन सब पे माउंट किए लगाए जाते हैं, और ये जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो सब एक मैप बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स थ्रू डायग्राम्स, वी यूज डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स सच एज वन लिस्टेड हियर। अब हम लोग देखेंगे डायग्राम से हम लोग कैसे जियोग्राफिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंटीक्लाइन एंड सेंक्लीक्लाइन, एंटीक्लाइंस एंड स्निंक्लाइंस आर
पार्ट्स ऑफ सिंपल फोल्ड, अ फोल्ड इज़ अ फॉर्म्ड व्हेन द लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर फोल्डेड बाय कंप्रेशन. दीज आर्चेज ऑफ अ फोल्ड आर अ फोल्ड आर नोन एज एंटी लाइंस. डाउन फोल्ड्स और द थ्रोट्स ऑफ अ फोल्ड आर नोन एज सिंक लाइंस. एंटी लाइंस जो होते हैं और एक सिंक लाइंस होते हैं, वो एक फोल्ड का पार्ट होते हैं. और ये जो फोल्ड होता है वो अर्थ क्रस्ट में जब ज़्यादा कंप्रेशन हो जाता है तब ये फोल्ड्स हो जाते हैं. जो आर्चेज ऑफ द फोल्ड्स होते हैं जो ऊपर होते हैं उनको एंटी क्लाइन कहते हैं, और जो नीचे की तरफ होते हैं उनको हम लोग सिंक लाइंस कहते हैं. यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, आप देख सकते हैं. ब्लॉक माउंटेंस, अ फॉल्ट और अ फ्रैक्चर ऑन द अर्थ क्रस्ट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेन और टेंशन. दीज रिजल्ट्स इन अ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द सरफेस. When cracks or faults occur in the earth's crust and the surface between the cracks sinks, it leaves upstanding blocks on either side. These are called block mountains. जो block mountains होते हैं या एक fault होते हैं या फिर एक fracture होते हैं जो earth crust में होते हैं strain या tension की वजह से, और ये जो है उस surface के displacements में काम करने लगते हैं. जो cracks और faults होते हैं earth crust में, वो cracks जो होते हैं sinks के बीच में होते हैं. और इट लीव, और ये जो अपस्टैंडिंग ब्लॉक्स होते हैं ये सब एक साइड पे हो जाते हैं, तो इन सबको हम लोग ब्लॉक माउंटेंस कहते हैं. रिवर ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रिब्यूटरीज, मैंडर्स एंड डेल्टास. अ स्ट्रीम ऑफ वाटर विच फ्लोज इन अ चैनल फ्रॉम हाई ग्राउंड टू लो ग्राउंड एंड अल्टीमेटली टू अ लेक और सी इज कॉल्ड अ रिवर. अ रिवर इज ऑफन डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स ऑफ स्टेज, अपर, मिडल एंड लोअर. ईच ऑफ दी स्टेट्स हैड फीचर दैट आर स्पेसिफिक टू ईच स्टेज. हम लोग पढ़ेंगे रिवर ट्रिब्यूटरी, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, मैंडर्स और डेल्टास के बारे में. एक जो पानी का बहार आता है जो एक बड़े हाई चैनल से आता है एक ग्राउंड की तरफ, उसको हम लोग, और फिर वो जाके लेक और सी में मिल जाता है, तो उसको हम लोग रिवर कहते हैं. रिवर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, या फिर उसको स्टेज भी कह सकते हैं, अपर, मिडल, लोअर. और ये सारा स्टेजेस जो है वो उसके काम के ऊपर बेस्ड है. Tributary, a stream which drains into a larger ones from intense a river, thereby contributing water to it. मतलब कि एक small stream of water एक बड़े river में जाके जब मिल जाती है तो उसको tributary कहते हैं. Distributary, a river separates channel created when a river splits, but one which does not rejoin the main channel, usually found in a delta rain. डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जैसे कि दो रिवर आती हैं और एक जगह पे अलग हो जाती हैं, और ये यूजुअली एक डेल्टा में ही होता है. मेंडर, अ लूप लाइक बेंट इन अ रिवर. जो थोड़ा लूप लाइक बेंट होता है एक रिवर में, कर्विंग, उसको हम लोग कहते हैं मेंडर. रिवर में जो कर्विंग होता है उसको हम लोग मेंडर कहते हैं. डेल्टा, द स्लिट कैरीड बाय अ रिवर कलेक्ट्स एंड इट डिपॉजिटेड इन द स्पेसेस बिटवीन द स्मॉलर रिवर. दिस क्रिएट्स अ फैन शेप फीचर एट द रिवर माउथ कॉल्ड द डेल्टा. डेल्टा जो रिवर में जो एक स्पेस होती है, जैसे एक छोटा सा लैंड हो जाता है रिवर में, उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं. वो एक फैन शेप्ड फीचर होता है, उसको रिवर उसको कहते हैं डेल्टा. जहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूटरी में जो दो रिवर अलग हो जाती हैं तो वो डेल्टा में ही टकरा के अलग हो जाती है. तो गाइस, तो यहाँ पे हम एक पार्ट्स ऑफ रिवर का एक फ़ोटो दे दिए हैं. अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें समझ ना आए तो आप इस फोटो को देख के समझ सकते हैं. तो आपको ये सेशन पसंद आया होगा. अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ. बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. होप यू लाइक दैट.